नमस्कार, आप देख रहे हैं इंसाफ की आवाज। मैं पूनम हाजिर हूँ एक नई खबर के साथ। मदर टेरेसा के संचालक हरपाल सिंह थापड़ को यौन शोषण के आरोप में 16 जून को पुलिस ने गिरफ्तार कर घाघीडीह जेल भेजा था, जहां 14 जुलाई को उनकी तबीयत बिगड़ने पर MGM अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। इस मामले को लेकर हरपाल सिंह थापड़ के परिवार वाले और सिख समुदाय ने जेल प्रशासन पर प्रताड़ित कर हत्या करने का आरोप लगाया था, जिसको लेकर समुदाय के लोगों ने प्रशासन से टीम गठित कर पोस्टमार्टम करने की मांग की थी। लेकिन इतने दिन बीत जाने के बावजूद प्रशासन द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जानकारी नहीं दे रहे हैं, जिसको लेकर सिख समुदाय में रोष व्याप्त है। शुक्रवार को सिख समुदाय के एक प्रतिनिधि मंडल उपायुक्त से भेंट कर पोस्टमार्टम रिपोर्ट को उजागर करने एवं पोस्टमार्टम के दौरान बनाई गई टीम में समुदाय के एक प्रतिनिधि मंडल को भी शामिल करने की मांग की है। जानते हैं कि हमारे प्रोफेसर हरपाल सिंह जी थापड़ साहब, जिनका जेल में जो है मृत्यु हो गया था, और उसके संबंध में आज 13 दिन हो गए हैं। लेकिन बड़ा दुर्भाग्यजनक बात है यह है कि अभी तक परिवार के लोगों को उनकी मृत्यु कहते हुए उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी जा रही, और टाल मटोल जहाँ जाइए वहीं पे आप वहाँ जाइए, यहाँ जाइए, वहाँ जाइए, आखिर परिवार के लोग कहाँ जाएं? तो हम लोग वही जिला के मालिक हैं उपायुक्त महोदय, उनके यहाँ पर हम लोग आए हैं अपना बात रखने के लिए। तो ठीक है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अगर मान लीजिए उनकी वहाँ पर हत्या नहीं हुई है जेल के अंदर में, तो आखिर वो रिपोर्ट हम लोग को क्यों नहीं दी जा रही है? अगर रिपोर्ट सही होती तो निश्चित रूप से अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट को ये लोग पेपर में मीडिया में रद्द कर दिए होते। लेकिन दुर्भाग्यजनक है कि इसका ये मतलब साफ साफ आता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं ना कोई संदिग्ध उनकी मृत्यु हुई है, जो इंक्वायरी के नाम पर अभी जो है उसको रोका गया। अगर जो इंक्वायरी चल रही है मान लीजिए, उसमें हम लोग का समाज का कोई भी प्रतिनिधि जो है उसमें शामिल नहीं है, जो अपने आप में ही जो कुछ मर्जी कर लेंगे तो ऐसा तो चलेगा नहीं। तो हम लोग का कहना है उपायुक्त महोदय से, हम लोग जो है नम्र निवेदन करने के लिए यहाँ पर आए हैं कि भाई उनके परिवार के साथ इंसाफ होना चाहिए। उनकी लेडीज लोग हैं, कहाँ कहाँ दौड़ती भागती रहती है बेचारी, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो जो सच्चाई है वो सामने लाए। हम लोग भी जो है हम लोग भी यही चाहेंगे कि कानून में जो हम लोग को प्रावधान मिले हैं, लोकतंत्र के जो हम लोग अधिकार, उसके अनुसार हम लोग जो है कार्य करेंगे। ऐसा नहीं है जब उनकी हत्या हुई है तो हम लोग हाँ मुकाही रोड जाम ये सब करेंगे, लेकिन सच्चाई तो सामने आनी चाहिए ना कि आखिर उनकी मृत्यु कैसे हुई। उनके काले के निशान थे, आप लोगों ने सब लोगों ने देखा, वहाँ भी यहाँ पे खेत भी थे उनके, 2-3 थे, पीठ में भी खेत था। अगर ये कैसे हो गया, एक रात में कैसे हो गया, तो कुछ ना कुछ बात जरूर है। इसीलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट को जो है दबाया जा रहा है, और न्यायिक जाँच के नाम पर अभी तक जो है कुछ भी अभी तक नहीं हुआ है। तो हम लोग चाहते हैं कि भाई दूसरी तरफ से मिलकर हम लोग अपना पक्ष रखेंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि भाई परिवार के साथ जो है इंसाफ हो, जांच कमेटी में जो है सिखों का एकाध प्रतिनिधि जो है उसमें रखा जाए, ताकि उस रिपोर्ट में पारदर्शी जो है वो नजर आए, या पारदर्शी तरीके से वो लोग जाँच कर रहे हैं। इतना ही हम लोग कहना चाहते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। दिन भर की ताजा अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।